दोस्तों ये है हुंडई i10 मैग्ना कार है, पेट्रोल कार है ये। और दोस्तों ये कार जो है, इस कार में जो है कूलिंग की थोड़ी समस्या है, यानी इसकी जो कूलिंग है कूलिंग कम है। और हमारी जो कार है स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार को हमने स्टार्ट कर लिया है और हमारी कार स्टार्ट है और इसका एसी भी हमने ऑन कर दिया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एसी ऑन है और इसको हमने 4 नंबर पे यानी फुल पे सेट कर रखा है, पर इसमें कूलिंग जो है वो बहुत कम आ रही है। तो कूलिंग कम आने का एक रीज़न ये भी होता है दोस्तों, अगर आपकी कार में एसी की गैस भी पूरी है और हवा का फ्लो भी ठीक है, उसके बाद में जो है कूलिंग जो अगर आपकी कम आ रही है, तो एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी कार का जो एसी का जो फिल्टर होता है जो यहाँ पर लगा होता है ग्लो बॉक्स के अंदर, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चोक हो जाता है, तो भी हमारी कार की कूलिंग जो है वो कम होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसका एसी फिल्टर खोल के और ये किस कंडीशन में निकलता है, कैसा निकलता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये हुंडई i10 है, मैग्ना पेट्रोल कार है ये, और इस कार की कूलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसकी कूलिंग कैसे बढ़ाना है, कैसे ठीक करना है, वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो इसका जो एसी फिल्टर जो है वो इस साइड में लगा होता है, इसका जो ग्लो बॉक्स है, ग्लो बॉक्स हमें हटाना होगा। तो एसी फिल्टर निकालने के लिए हमें ग्लो बॉक्स को खोलना होता है। ग्लो बॉक्स को खोलने के लिए यहाँ पर 2 लॉक बटन दिए होते हैं, तो ये बटन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बटन निकल जाता है बाहर को। तो इसी हिसाब से साइड वाला जो बटन है इस साइड का, इसको भी घुमाना है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो ये घुमाने पर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों बटन को निकाल देते हैं और निकालने के बाद में ग्लो बॉक्स आप देख सकते हैं नीचे की साइड में डाउन हो गया। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सामने की साइड में आप देख सकते हैं कितना सारा मकड़ियों ने जाला बना रखा है, काफ़ी गंदगी इसके अंदर जमा है, इसको भी साफ़ करेंगे। और एसी फिल्टर जो है यहाँ पर लगा होता है, ये इसका कवर है, तो ये निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर साइड में लॉक दिए होते हैं, ये लॉक को दबाएँगे, प्रेस करेंगे तो साइड से निकल जाता है ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरा वाला भी इसको इस तरह से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद में ये सामने जो लगा है ये रहा इसका एसी फिल्टर। तो एसी फिल्टर जो है दोस्तों ये हुंडई का ओरिजिनल है और इसको अभी हम बाहर निकाल के देखते हैं किस कंडीशन में है ये। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये अभी हमने एसी फिल्टर जो बाहर निकाला, इसके अंदर कितनी सारी गंदगी जमा है, इसके अंदर काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमा है और इसके अंदर चूहों ने भी जो है काफ़ी सारी गंदगी कर रखी है। तो ये फ़िल्टर जो है पूरी तरह से जाम है और इस फिल्टर को जो है हम अभी धोकर साफ करके क्लीन करके और फिर इस कार में लगाएंगे। क्या होता है फ़िल्टर जब बिल्कुल जाम हो जाता है, तो फ़िल्टर जाम होने की वजह से भी क्या होता है, जो हमारे ब्लोअर मोटर की जो हवा है वो ठीक से प्रॉपर पास नहीं हो पाती है और गंदगी इसमें ज़्यादा जमा होने की वजह से हवा का फ्लो भी कम हो जाता है और इसलिए इसकी कूलिंग जो है कूलिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो एसी फ़िल्टर का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये तो खैर फ़िल्टर ऐसा वाला है कि इसको धोकर साफ़ करके रेडी कर सकते हैं, पर जो पेपर कॉइल वाले जो फ़िल्टर आते हैं, कागज़ वाले जो फ़िल्टर आते हैं, उनको तो साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर थोड़े गंदे हैं तो हवा लगा के साफ़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर उनको पूरा ही चेंज करना पड़ता है। पर ये फ़िल्टर जो है दोस्तों ये धोकर भी काम चल जाता है। तो अभी इस फ़िल्टर की दोस्तों हम धुलाई करवाएँगे और धुलाई करने के लिए जो है दोस्तों सबसे पहले हमें इसको जो है इसकी जो मिट्टी जो सूखी मिट्टी जो इसके अंदर भरी हुई है इसको साफ़ करना होगा। तो इस मिट्टी को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें किसी ब्रश से इसको अच्छे तरीके से झाड़ना होगा। तो ब्रश से जब इसको सही से रगड़ देंगे, झाड़ देंगे, तो इससे जो सूखी मिट्टी है वो सारी की सारी निकल जाएगी जाली में से और उसके बाद में हम धुलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको अभी हमने ब्रश से तो साफ़ कर लिया है, पर इसमें अब जो जमी हुई मिट्टी है, जो इसके अंदर जाली के अंदर जो जमी हुई मिट्टी है, उसकी धुलाई करवाएँगे हम अभी। तो दोस्तों धुलाई करने के लिए जो है हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया है। तो शैम्पू में आप इसको शैम्पू के झाग से, शैम्पू के पानी से इसको धो सकते हैं। तो हमने इसको जो है शैम्पू के पानी से, झाग से इसको अभी पूरा इस पर लगा दिया है पूरे फ़िल्टर के ऊपर और इसको अभी हम साफ़ करके धोएंगे। तो ये फ़िल्टर जो है दोस्तों शैम्पू से आप अगर धो देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और साफ़ होने के बाद में इसको हमने हवा का प्रेशर भी लगाना है, हवा के प्रेशर से, या फिर आपको इसे धूप में रख देंगे थोड़ा टाइम, तो इसके जो जाली के बीच में जो पानी है वो निकल जाएगा। तो अभी हम इसको शैम्पू से धुलवा दिया, अब इसको पानी से धुलवा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको धोकर साफ़ करके रेडी कर सकते हैं।
तो ये फिल्टर जो है दोस्तों अभी हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। इसके अंदर जितनी डस्ट भरी हुई थी वो सारी निकल गई। तो अब इस फिल्टर को हमने झाड़ लेना है। इस फिल्टर को अभी हम इसको अच्छे से झटक लेंगे, तो जो कि इसकी जाली में जो पानी भरा हुआ है वो भी सब निकालना ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर अभी झटक रहे हैं, तो इससे क्या होगा हमारी जाली के अंदर, ये फिल्टर की जाली के अंदर जितना भी पानी जो भरा हुआ है, जो इसमें जाली में पकड़ लिया है पानी, तो वो सब निकल जाएगा। और उसके बाद में हमें इसको हवा लगाकर सुखा देना है। तो जाली आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और अगर आपके पास में हवा वाला प्रेशर नहीं है तो इसको आप इस तरह से बस हिला सकते हैं। इस तरह से हवा में हिला देंगे तो भी इसके अंदर हवा जो पास होगी दोनों साइड से, तो हवा के साथ में जो भी पानी है वो सारा सूख जाएगा और फिल्टर जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ़िल्टर जो है बिल्कुल साफ़ हो गया। पहले इसमें काफ़ी सारी गंदगी भरी हुई थी, अब फ़िल्टर के आर पार का दोनों साइड का बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, और इसमें जो धूल थी, मिट्टी थी, वो सारी की सारी निकल गई। तो अब जो है दोस्तों इस फ़िल्टर को हम इस बॉक्स के अंदर अभी लगवा रहे हैं। तो लगवाने से पहले दोस्तों जो यहाँ पर साइड में जो सभी जाला वगैरह मिट्टी वगैरह थी वो भी हमने साफ़ करवा दी है जो साइडों में थी, और अब लगवा रहे हैं हम इसका एसी फ़िल्टर। तो फ़िल्टर हमारा बिल्कुल साफ़ है। तो अब जो है फ़िल्टर हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, तो अब जो इसमें हमारी जो ब्लोअर मोटर की जो हवा इसमें आएगी तो बिल्कुल साफ़ होकर, बिल्कुल फ़िल्टर होके हमारे कूलिंग कॉइल के लिए पहुंचेगी। तो इससे क्या होगा, जब हवा बिल्कुल खुलकर साफ़ होकर पहुंचेगी तो हमारी कूलिंग जो है दोस्तों फ़िल्टर साफ़ करने से भी हमारी कूलिंग जो है कार की बढ़ जाती है। कभी आप इस बात को नोटिस करिएगा कि कभी अगर आपकी कार का अगर फ़िल्टर अगर बिल्कुल चोक है तो उस कंडीशन में आप कूलिंग देखिएगा। और फ़िल्टर आपको फ़िल्टर चेंज कराने के बाद में या फ़िल्टर साफ़ कराने के बाद में आप इसकी कूलिंग नोटिस कीजिएगा, कूलिंग बिल्कुल बढ़ जाती है। तो फ़िल्टर का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने इसका फ़िल्टर अच्छे तरीके से साफ़ करवा दिया है और उसको फिटिंग करवा दिया है, तो अब हमारी कार की जो है कम से कम 20% कूलिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो अभी हमने ये फ़िल्टर लगा के कम्प्लीट कर दिया है। अब इसका ग्लो बॉक्स के बटन जो हमने निकाले थे, जो लॉक जो निकाले थे, तो अभी ये दोनों बटन जो है दोस्तों हम लगा देंगे ठीक तरीके से। और ये दोनों बटन लगाने के बाद में जो इसका ग्लो बॉक्स है, ग्लो बॉक्स को हम बंद कर देंगे। तो और उसके बाद में जो है दोस्तों हम अपनी कार को जो है स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, स्टार्ट करके जो, क्योंकि आपको तो कूलिंग नहीं पता लगेगी, लेकिन कूलिंग जो है फ़िल्टर जब बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो कूलिंग जो है कम से कम 20% कूलिंग जो है बढ़ जाती है। क्योंकि इस कार में जो है एसी गैस पूरी है, तो गैस की तो प्रॉब्लम इसमें थी नहीं, पर इसका फ़िल्टर जो है आपको जो मैंने वीडियो में दिखाया काफ़ी गंदा हो गया था, तो फ़िल्टर गंदा होने की वजह से इसमें कूलिंग कम थी। तो मैं अभी अपनी कार आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो दोस्तों एसी फ़िल्टर लगाने के बाद में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, और अभी हम अपनी कार को स्टार्ट करके भी देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कार को हमने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, हमारी कार स्टार्ट है, और अभी हम अपना एसी ऑन करके देखते हैं। तो अभी हमने अपना एसी ऑन कर दिया, आप यहां पर देख सकते हैं हमारा एसी ऑन है, और इसको हमने 2 नंबर पे सेट किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं अभी, क्योंकि इसकी एसी की कूलिंग में जो है थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, तो कभी अगर आपकी कार में कूलिंग अगर कम आ रही है तो अपना एसी का फ़िल्टर ज़रूर चेक करें। एसी का फ़िल्टर अगर बिल्कुल चोक होता है, गंदा होता है, तो भी हमारी ब्लोअर फैन मोटर की जो हवा है वो ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से पास नहीं होती है, दब के पास होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कूलिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। तो कूलिंग जो है दोस्तों अभी हमारी जो है बहुत बढ़िया आने लगी, यानी कम से कम अगर आप फ़िल्टर साफ़ करा लेंगे तो कम से कम 20% कूलिंग जो है आपकी बिल्कुल बढ़ जाती है। तो अभी जो है दोस्तों इसमें कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी और भी लोगों तक पहुँच सके और किसी की हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।